तो अभी हम लोग मतलब कि बुकिंग जितना भी करना है, गाड़ी डीजे क्या क्या करना है वही सब अभी नोट कर रहे हैं, क्या क्या बांधना है मम्मी से पूछ पूछ के। बड़ी मम्मी कह रही हैं कि दूल्हे का कपड़ा अच्छा खरीदना। तो अभी फाइनली चलिए चलते हैं और करते हैं बाय बाय। सब लोग तैयार होकर आ रहे हैं भाभी, चलो चलो। तो मम्मी का आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मम्मी का मतलब अब आराम से शादी में आए, जल के ससुराल से मिला है कुछ तोहफा, चलिए अंदर दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे एंड हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह अभी मैं उठ गया तो फ्रेश हो गया, और काजल अभी सुबह सुबह फ़ोन पे बात कर रही थी। तो चलिए आप सब हमारे साथ बने रहिए, आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है आप लोगों से। और आज का मौसम देखा है तो मौसम बादल जैसा हुआ है कुछ थोड़ा थोड़ा, और अभी तक धूप निकला नहीं है। वैसे देखिए धूप तो निकल ही जाएगा, और बाइक को भी ढक दिए थे। और ये ना चूल्हा मेरे से फिर बाइक बैक कर रहा था, टूट गया ये फुसका, ये चूल्हा मैंने उधर टूटी ना कजाल, आपका चूल्हा ही फुसका ही है, तो मेरा क्या गलती है भाई। और अभी मेरे को सुबह सुबह कहीं जाना भी है, पहले लाइट बंद कर देते हैं, लाइट्स वो वाला जल रहा है अभी भी न्यू घर का, उसके बाद से जाना है कहीं। चलिए बाइक को बाहर निकालते हैं, और ताकि काजल झाड़ू लगाएंगे आंगन में सारे। जैसे कि पता है आप लोगों को कि रात में मैंने काजल को लेके आ गया था, पता नहीं होगा वैसे हम सेकंड चैनल पे बनाया था, काजल अभी यहीं है। तो रात में उस टाइम जाके लेके आया था, क्योंकि आओ काजल इधर आओ, इधर आओ बताते हैं। दोस्तों रात को मैं काजल को लेकर चला आया था, करीब 10 बजे रात को गया था वहाँ पे, और क्योंकि मानसी रो रो रही थी बहुत ज़्यादा, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, है ना बेटा? आप क्यों रो रही थी बताओ? दादी घर गई थी तो क्यों रो रही थी आने के लिए रात में? अब कटोनो बंद करो। अच्छा आपको अपने घर सोने के लिए मन कर रहा था, अच्छा इसलिए रो रही थी। तो अभी आ गए दोस्तों, काजल को थोड़ा बुखार आ गया था तो अभी दवाई लेके आए हैं, देखिए बुखार का। तो चलिए अभी दवाई वही खाएंगे, और इसलिए आ गए लेके आ गए थे, काजल भी जिद की थी कि मानसी रो रही है नहीं मान रही है, तो लेके आए। और अभी भाभी और भैया और बड़ी मम्मी अभी वहीं पे हैं, बड़ी मम्मी को खास कर रोके थे काजल के लिए ही, काजल ने ही रोक लिया था, और काजल खुद चली गई, बड़ी मम्मी वहीं पे सुबह सुबह ही फोन कर कह रही है बड़ी मम्मी की आवाज़ तरह का बताओ तो नहीं। तो अभी सबको रिसीव करने जाना है आज फिर से। और क्या कर रही हो? चॉकलेट रख रही हूँ, मैं ले लूँगा। देखिए तीन चॉकलेट लाया, एक मानसी के लिए, एक प्रिंस के लिए और एक काजल के लिए। खा गए थे। हाँ। और ना फ्रेंड, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था कि अपना ही घर है काजल, डरो मत, अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, बहुत समझाए थे अपने घर जैसे रहो, सब कुछ करो। तो हमसे हालांकि हाँ बोल सकते हैं अपना घर, लेकिन हमसे जितना हो पाया था उतना किए थे, है ना? आप लोग देखे ही थे हमारे ब्लॉग। तो शादी के लिए भी सारा बुकिंग भी करना है, जैसे गाड़ी का। और आप लोग का कमेंट रहेगा, हम जानते हैं कि क्यों नहीं रुक गए, क्यों चले आए काम करने की वजह से, ऐसे ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं, मम्मी बोली थी कि आना सुबह में शाम में सब लोग चले जाना, तो इसलिए चले आए थे। और देखे तबीयत भी खराब हो गया थोड़ा, तो अभी चलिए लेके आते हैं सबको, और अभी जाएंगे वहाँ पे भी, और आप सब बने रहिए, सब कुछ दिखाएंगे आप सबको, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो जाए तो दवाइया पहले खा लो, देखिए एक चॉकलेट खोल के खाने लगी मानसी। अभी सारा घर ऐसे ही पड़ा, उठेंगे दवाई खा के तो सब करेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, और गोलू भी जा रहा है साथ में, दो बाइक ले जा रहे हैं क्योंकि सबको रिसीव करना है, सबको लेके आना है ना। अभी आ गए हैं हम इस घर पे, और सभी लोग हैं यहाँ पे, सबको ले चलना है। या चलबू शादी बांध। और बड़ी मम्मी को भी लेके चलेंगे, दो दो बाइक लेके आए हैं, एक गोलू वाला और एक अपना वाला, दोनों लोग। चलिए अभी चलेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे बातें चीतें हो रही है काफ़ी अच्छा, और डिसाइड हो रहा है मतलब क्या क्या बारात में जाएगा, और सबका बुकिंग करने का वही सब डिसाइड प्लानिंग हो रहा है अभी, देखिए क्या क्या होता है।
बड़ी मम्मी कह रही हैं कि दूल्हे का कपड़ा अच्छा खरीदना। तो रथ बनाई ना, रथ बनाई ना, सब बनाई। बताओ डिमांड। तो अभी हम लोग मतलब कि बुकिंग जितना भी करना है, गाड़ी, डीजे, क्या क्या करना है वही सब अभी नोट कर रहे हैं, क्या क्या बांधना है मम्मी से पूछ पूछ के। तो चलिए फटाफट से नोट करते हैं, सभी लोगों से राय ले लेंगे क्योंकि सारे फैमिली अभी इकट्ठे हैं। सबको एक ही टेंशन है साटा करने का, वही सब डिसाइड हो रहा है कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। और सब लोग तैयार होकर आ रहे हैं भाभी, चलो चलो। तो मम्मी का आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मम्मी का मतलब मम्मी को दिखाओ, तो वो हम शादी का टाइम फेस रिवील करेंगे क्योंकि अभी भी मम्मी को शर्म आता है। चलिए चलते हैं फिर। ए दूल्हा बाबू, कौन डिमांड है तो और बता दिया। ये डिमांड हो अब आए से शादी में आए, सारा उपहार मिला है काजल के ससुराल से और भाभी के ससुराल से। चलिए घर पे चल के दिखाएंगे। दोस्तों हम आ गए हैं घर पे और दिखा दें, काजल के ससुराल से मिला है कुछ तोहफा। चलिए अंदर दिखाएंगे। अभी काजल बाल झाड़ रही है क्योंकि अभी अभी हम लोगों को कहीं निकलना भी है, तो इसलिए नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको पता चलेगा। पकड़े चलो, किस पर थी? ले चलो अंदर, मैं बाल झाड़ करती हूँ। बाल झाड़ कर रही है। तो अभी दोस्तों हम लोग कहीं गए थे और बहुत ही एक मतलब सरप्राइजिंग वीडियो आने वाला है, तो आप लोग देखिएगा। और चलिए अभी हम आप सबको दिखाते हैं कि काजल के ससुराल से यानी मेरे घर से क्या मिला है, मेरी मम्मी के हाथों से क्या दी है उन्होंने। तो फाइनली चलिए दिखाते हैं। और इसको रखते हैं इधर साइड। और ये क्या क्या है और कहाँ से आए हैं अभी, तो वो सब आपको अगला व्लॉग इसका आएगा, स्पेशल व्लॉग, वो देखिएगा। और ये रहा जो हम मम्मी दी थी हमारी वो, तो काजल दिखाएगी आपको क्या है उसमें, जहाँ तक मेरे को भी पता नहीं है। ठीक है बेटा, निकाल रो झोरी में। अरे ये केला खराब हो गया, लल्ला को खिलाओ। तो ये इसको फेंक देते हैं, एक ही में है ना, तो वो थोड़ा बाइक को एक पे लाए ना तो पिचरी हो गया। और ये है सेब और खजली और केला और इसमें क्या है, टिकड़ी, लड्डू, टिकड़ी इसी को बोलते हैं दोस्तों, ये हम और लड्डू है। ये मतलब कि स्पेशली उधर से आता है, लड़की वालों के घर से, है ना मानसी को पता चल गया, अभी पहले मानसी नहीं खिला। और ये देख सकते हैं इसमें मतलब लड्डू, देखो लड्डू, ये है लड्डू। तो ये लड़की वालों की तरफ से आप रखो। हाँ बेटा, तो अभी हम खा लिए दोस्तों पहले ही, कोई बात नहीं। हम लोगों में सबसे बुजुर्ग जो है ना वो काजल ही है। घर का है तो इसमें क्या कहा जाता है? नहीं पहले ना हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे किसी के यहाँ से या फिर कहीं से भी अपने भी घर कहीं से आता था, रिश्तेदारी से या फिर कहीं से भी, तो क्या होता था ना कि पहले बुजुर्ग को खिलाया जाता था। आप लोग के घर भी होता है, तो हमारे घर में काजल बुजुर्ग है तो काजल खा लिए, फिर हम खाएंगे, मानसी खाएंगे, दोहरा के टिक्किया था ना, टिक्की खाएंगे, टिक्की टेस्टी लगता है। ये है दोस्तों टिक्की, पकड़ लो, कहा लौट लो। तो ये है दोस्तों टिकड़ी, चलिए खाते हैं। पहले लड्डू पसंद है घर का बांधा हुआ। फोर फोर के खा। अब फ्राइड में मुझे चला पाऊंगा। तो चलिए खा लेते हैं और फिर आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग तो मतलब रात में ही निकल आए थे और सुबह में मानसिक पापा गए थे, दीदी को लाए थे और बड़ी मम्मी को लाए थे और भैया थे, तो तीनों लोग के लाए थे, दो गाड़ी गया था, है ना, एक बच्चे भी थे। तो आप लोग देखे, हम लोग नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं और बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का और घर का हाल बहुत खराब है। ऑटो जाते चल जाते सोलपुर मार्केट के कर हा?
किसी का होगा ना, ऐसे ही बढ़ के चले जाएंगे वहां से, वहां पैसा थोड़ी लेंगे। तो यही सब बात है मानसी बेटा को देखो, सारा जिम्मेदारी मुझे दे दिया गया है, सब बुकिंग करना है, क्या क्या करना, पता ना कहाँ रख दिए हैं कागज, वो तो फिर मुझे याद है। और देखिए क्या क्या करेंगे सब कुछ। और मम्मी मतलब कि लास्ट टाइम ये बोली कि तुम करो सब कुछ करो, मैं हूं ना मम्मा, बोलो आपने तब मुझे आया कि हाँ चलो मिलजुल कर सभी लोग, बोलो ना दोस्तों से, क्या बोलो दोस्तों से, टैबलेट मेरे लिए, अरे दोस्तों के लिए, अरे दोस्तों के लिए आपके लिए गिफ्ट है, आप सबके लिए गिफ्ट है, मानसी रखी हुई है ना, अरे आप रखी हो, मैं रखी हूँ, अच्छा ठीक है मैं रखी हूँ आप सबके लिए गिफ्ट। तो वही कह रहे थे कि सब लोग मिलजुल के कैसे भी करेंगे शादी अच्छे से, और ये मेरा छोटा भाई है तो अच्छे से शादी करना है, और इसमें सभी लोगों का योगदान रहेगा जिससे जितना हो पाएगा, है ना, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छे से करें, और बाकी आप सबका प्यार सपोर्ट जितना ज्यादा रहा उतना ही अच्छे से शादी होगा, है ना। तो वही चले आए थे, और जो लड़की की तरफ से मिलता है ना मिठाई तो वही सब दिया जाता है ज्यादातर, और क्या दिया जाता है, और तो वही मिठाई मासी पापा लेके आए थे सबके घर पे, तो वो हम अगले दिन लेके आए थे क्योंकि काजल अचानक से आई थी रात में, लेके आए थे रात में, कैसे लेके आए तो उस टाइम जल्दी जल्दी में आ गए थे क्योंकि इधर शादी भी था किसी का, उसमें इनविटेशन भी था, इसलिए उधर से आके फिर गए थे। रुको बेटा खरीदने के लिए हम उधर भाग, मतलब हम अपने भाई के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ये अपनी बहन के लिए भाग दौड़ कर रही है, यही जिंदगी चल रही है अभी, है ना। तो कितना सब्सक्राइबर आप लोग आपको चाहिए? 10 मिलियन सब्सक्राइबर का डिमांड है मानसी का, जल्दी जल्दी पूरा कीजिए आप सब। हाँ नहीं बेटा पहले बोलो 5 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर पहले चाहिए, फिर 5 लाख हो जाएगा ना, फिर बोल देंगे कि 1 मिलियन चाहिए, फिर 1 मिलियन हो जाएगा, बोल देंगे 10 मिलियन चाहिए, है ना। ऐसे नहीं बेटा बोलो, एक ही बार चढ़ना सीखते हैं। एक ही बार ना सीढ़ी ऐसे ऐसे करके चढ़ाया था, एक ही बार चढ़ोगी गिर जाओगी। बोल दो मैं रॉकेट जैसा भागना चाहती हूँ। नहीं नहीं मैं बोल रही थी। क्या बोल रही थी आप? बोल दो मेहनत से आगे बढ़ेंगे। 10 मिलियन मेहनत से चाहिए, है ना। रुको एक बात सुनाती हूँ। बात सुनाओ। ताले जाएंगे, कार खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे। हाँ बेटा मत ब्रेक मारो, बोलते रहो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो 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 पापा ऐसे ही है। अरे मेकअप खराब हो जाएगा, रोना मत रोना मत, बोलो बोलो। मुझे मम्मी पे मैं हंस रहा था। मानसी का घर में टाइल लग जाएगा, कार खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे, तभी तो 10 लाख होंगे, है ना बेटा। हाँ। यही कह रही थी। गुस्सा दिला रहे हैं। मैं मम्मी पे हंस रहा हूँ बेटा, आप तो बहुत क्यूट हो, देखो देखो मेरी कूटी कूटी कूटी। स्कूटी मानसी के लिए, कार पापा के लिए, घर मेरे लिए, है ना। कौन सा घर? अरे वो टाइल लग जाएगा ना। अरे वो मेरा भी तो घर है। आपका भी है, इनका भी है, सबका है। पापा के ये वाला घर है, ये माँ बेटी का वो वाला घर है, बड़ा वाला जो है ना, ना? हम कौन से लगाएंगे पेंट, टाइल लगेगा तो चांद वाला। चांद वाला पेंटिंग करेंगे रूम में, कार्टून में देखती है, ठीक है। फिर जोनी उसमें उगेगी। अरे जोनी वाला उसमें ही खरीदेंगे, ठीक है वही खरीदेंगे। तो देखिए सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, काजल का, मानसी का भी, और मानसी को हम कुछ सिखाए नहीं है, खुद से ही देखती है कार्टून वर्टून में सब घर और देखती है, इसलिए सपना। तो अभी आगे वाला ब्लॉग जो आने वाला है ना, काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आने वाला है, आप सबका इंतजार, आप सबका सवाल, सब कुछ मिलने वाला है, तो आगे वाला ब्लॉग देखना ना भूलिएगा, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो। पहले से जो लोग कर लिए उनको दिल से धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप सब भी कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक और न्यू प्यारा सा व्लॉग में, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।